तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने कहा था आपको कि मार्केट एक रेंज में रहेगा और आज वही रेंज में मार्केट था और वही रेंज में मार्केट घूम रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देगा। वो कौन सा लेवल रहेगा और वो मूवमेंट या टारगेट कहाँ तक रहेगा, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 3 जून को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बाई निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूं और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल के बहुत सारे वीडियोज है, वो देख के आप टेक्निकल सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी से शुरुआत। यहाँ पे देखिए कि कल जैसे मैंने जो लेवल ड्रॉ किया था, ऊपर 16,700 और नीचे 14,400। तो जैसे मैंने कहा था कि आज एक्सपायरी है और मार्केट जो है कि ऑप्शन चेन के ऊपर हमने देखा था और हमने चार्ट के ऊपर भी देखा था कि ये रेंज में रहेगा। अगर हम लोग मार्केट का अगर एनालिसिस करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है कि अप है। और मैंने जैसे कहा था कि ये ऊपर गया और जैसे कि कल नीचे आया था, तो मोस्टली यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है। और नेक्स्ट जैसे कि ये लेवल ब्रेक करने का चांसेस अभी बढ़ गया है। तो जैसे कि हमको मार्केट को पहले ही प्रिडिक्ट करना है, और जैसे मैं बताता हूँ, हमारे व्यू चले ना चले हमारे लेवल वर्क होना चाहिए। तो क्या लेवल इंपॉर्टेंस होता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, कि पहले कल अगर मार्केट 16,700 ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम होगा और यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आपको मार्केट जो है कि 17,100 के करीब यहाँ पे लेके जा सकता है। ये एक दिन में नहीं जाएगा, लेकिन ये यहाँ से ये टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ने एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन किया है और ऊपर ब्रेकआउट करने का यहाँ पे मार्केट वेट कर रहा है। जैसे कि आज एक्सपायरी था तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुका है, लेकिन अगर आप देखो तो ये मार्केट का जो पैटर्न है, जो ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड देन अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग सोच रहे ऐसा नहीं होता है तो भी क्या करना है, ये हमको देखना है। अगर मार्केट ऐसा नहीं होता है तो नीचे 16,400 का अपना टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे जाता है तो मार्केट फिर से एक थोड़ा सा साइडवेज या डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन हमको पहले रेडी होना चाहिए कि पहले ही ब्रेकआउट होता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 16,691 के ऊपर यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है और वो 17,100 के आसपास लगभग यहाँ पे मार्केट का टारगेट फर्स्ट यहाँ पे होगा। तो ये हमारा कल भी मैंने आपको व्यू बताया था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो रहा है तो यहाँ पे कवर होगा। और आज जैसे कि एक्सपायरी था तो यहाँ पे 16,700 और 16,400 यहाँ पे जो कि ऑप्शन ऑप्शन राइटर बैठे थे तो उनको प्रॉफिट कमाना था, तो इसके बीच में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन कल ये ऊपर या नीचे ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे अगर चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जो कि चार्ट रीड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये ऊपर ब्रेक होना ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हम लोग टेक्निकल में पॉसिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल 100% नहीं होता, ये भी सुन लो। 70-80% भी आप राइट है तो भी अच्छा है। यानी हमारा प्रिडिक्शन है कि ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, नहीं होगा तो नीचे वाले लेवल भी मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट चार्ट है, ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे है नहीं। इंट्राडे में देखेंगे कि हमको 5 मिनट पे अगर कल ट्रेड लेना है तो हम लोग कौन से लेवल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो इंट्राडे का जो ट्रेंड था वो निफ्टी का कंप्लीट अप है। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का एक इम्पोर्टेंस लेवल ऊपर भी है। अगर इंट्राडे में हमको निफ्टी बाय करना है तो हम लोग इंट्राडे में लगभग जो कि आज का हाई जो लेवल है हमको लेना पड़ेगा, 16,642 के ऊपर हम लोग जाता है तो बाय करेंगे। पहला टारगेट 16,691 का यहाँ पे आएगा। सेलिंग के लिए हम लोग जो लेवल देखेंगे वो है 16,584 के नीचे अगर आता है तो हम लोग इसको सेल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव है, बट ये मार्जिनली है, यानी कि लगभग कल के लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो है कि एक्सपायरी में मोस्टली मार्केट जो है कि एक रेंज बाउंड रहता है। बैंक निफ्टी में भी नेक्स्ट लेवल है 35,711 के ऊपर, अगर ये ब्रेक देता तो अच्छा ब्रेकआउट होगा और 36,000
100 के आसपास हमको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोग ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को आपको नजदीक वाला टॉपलेस लगाना है तो 35215 का यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में यानी लॉन्ग कर रहे हो तो इसके लिए। इंट्राडे में हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि क्या लेवल हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी से हम लोग कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें ही चल रहा था, बट जैसे कि कल के लिए हमको अगर बाय करना है 35711 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। सेलिंग के लिए थोड़ा सा हम लोग नीचे वाला लेवल लेते हैं, वो है 35378 के नीचे हम लोग इसको सेल करेंगे। दोस्तों कल मैंने जैसे आपको दो स्टॉक दिए थे, तो मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे कि JSW स्टील जो है कि उसमें एक लास्ट में ये लेवल के ऊपर गया था और कोटक बैंक ये प्रॉपरली चला नहीं, फिर से नीचे आया, तो मार्केट आज कंसोलिडेशन रहेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको ये जो है कि कम कॉल यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। कल के लिए भी हम लोग कुछ कम कॉल करेंगे, क्योंकि कल अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट फिर से कंसोलिडेशन हो सकता है। तो पहला स्टॉक मेरा जो रहेगा वो होगा सन फार्मा। तो सन फार्मा में यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि एक सपोर्ट लेवल से उन्होंने एक रिवर्सल कैंडल बनाया जो कि बहुत स्ट्रांग है, और कल 863 के ऊपर अगर सन फार्मा जाता है तो 882 के यहाँ पे हम लोग इसका टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है HDFC लाइफ, यहाँ पे HDFC लाइफ आप देखोगे तो इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हो। और जो पहला ब्रेकआउट हुआ था अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले जो ब्रेकआउट हुआ था ये जो ब्रेकआउट के बाद इसको रिटेस्ट कर रहा है एक हैमर कैंडल से, ये बहुत ही पॉजिटिव ये रहता है। तो इसको हम लोग अगर कल बाय करते हैं 609 के ऊपर तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा 626 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया ये मैंने टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि इन स्टॉक कल ऐसे चलेंगे। अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।